हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है विनोद और ये है मेरा दोस्त अमित। तो दोनों ही उत्तराखंड से हैं, इंडिया से। तो भाई लोग, हम आए हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए, घूमने के लिए तो नहीं आए हैं। ये जो आप हमारे पीछे जगह देख रहे हैं, ये है मालदीव्स। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। एक टूरिस्ट प्लेस है और एक बीच में बसा हुआ एक सुनहरा सा शहर है, कंट्री है। और तो भाई लोग देख सकते हैं आप पीछे का नज़ारा, काफ़ी सुनहरा। और पानी देख सकते हैं आप, एकदम क्लियर सा है, काफ़ी नीला। और तो हम दोनों जो आए थे नवंबर के महीने में, एक ही साथ आए थे जॉब करने के लिए एज अ होटेलियर। तो भाई लोग, अब जब हम यहाँ आए तो एज अ एजेंट हम लोग आए थे। और काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस आप देख सकते हैं। चारों तरफ जो है कि काफ़ी सुनहरी सी वाइब्स आ रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा दोस्तों, काफ़ी जो है कि सुनहरा मतलब। और ये छोटे छोटे आयरलैंड हैं यहाँ पे बहुत सारे से, जिनमें रिजॉर्ट बने हुए हैं, जिनमें टूरिस्ट लोग आते रहते हैं घूमने के लिए। पूरे जो है टूरिस्ट लोग यहाँ पे छाए हुए हैं चारों तरफ। और ये जो सिटी है इसका नाम है माले। ये माले जो है मालदीव का कैपिटल है। और जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो देवी नाम की एक लैंग्वेज है जो यहाँ के लोकल लोग यूज़ करते हैं। और दूसरी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो भाई लोग, अगर आप आते हो यहाँ पे जॉब करने के लिए तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको अपना जॉब का एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो अभी जो हम दोनों यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हम लोग आए थे होटल के लिए, हमने ट्राई किया लेकिन होटल के लिए हमको वैकेंसी नहीं मिली। तो हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, फैसिलिटी सारी सही प्रोवाइड कर रखी है, रूम है, खाना पीना फर्स्ट क्लास है। बाकी रूम में हमको फ्री वाईफाई दिया गया है और अकोमोडेशन फ्री है, फूड सब कुछ फ्री है। बस हम लोगों ने गलती है कि जब हम लोग आए, हम लोगों ने अपना जो सामान पूरा नहीं लेके आए, आधा सामान घर पे छोड़ दिया। जैसे कपड़े हो गए एक्स्ट्रा, अपने शूज़ वगैरह, अपने जो भी है नहाने धोने का सामान। तो अगर आप आओगे तो आप एक महीने का अपना कोटा जो है लेके आना भाई लोग, एक महीना कोटा जो है एकदम लेके आना बैग भर के। मौसम देख सकते हैं यार भाई लोग, काफ़ी मस्त, एकदम मन कर रहा है कि सारा डुबकी लगा लूँ यहाँ पे। एकदम चारों तरफ नीला सा पानी है, पानी का कलर भी अलग अलग। यहाँ पे देखो थोड़ा लाइट नीला है, आगे एकदम डार्क सा नीला दिख रहा है एकदम। और ये जो है हमारे पीछे इमारत काफ़ी पुरानी है, जो यहाँ के जो मेन बहुत बड़े इंसान की मतलब उसकी याद में बनाया गया है, उसका नाम भी लिखा हुआ है ऊपर। और दोनों उत्तराखंड के भाई काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़े मार रहे हैं, काम कर रहे हैं भाई। काम तो करना पड़ेगा, पैसे कमाने के लिए काम करना ज़रूरी है। तो भाई लोग, अगर मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप आ रहे हो मालदीव तो पूरी तैयारी के साथ आए। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हो तो अच्छे से कंसल्ट कर ले उससे, कंपनी से बात कर ले डायरेक्ट, जो कंपनी के MD रहेंगे उनसे आप अच्छे से कंफर्म करके आना डिटेल्स में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो लोग। और आप देख रहे हो चारों तरफ एकदम सुनहरा सा पानी दिख रहा है आपको, एकदम नीले कलर का पानी, के अंदर की मछलियाँ भी दिख रही हैं भाई लोग मुझको तो। और ये जो यहाँ की मालदीव की जो गार्ड है, कोस्ट गार्ड सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। और ये मेरा भाई अमित, हेलो, घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है घर की जो मस्ती करता था, दिन भर घूमता सब यहाँ याद आ रही है भाई साहब। सब भाई बोल रहा है कि यार काफ़ी याद आ रही है, अपनी गाड़ी थी वहाँ एंजॉय करते थे, चिल मारते थे लॉन्डो के साथ शाम को डेली, तो भाई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और याद तो आएगी यार, इतने दूर आए अपने शहर से, अपने गांव से।
मजबूरी भी होती है, काम करना पड़ेगा, पैसे तो चाहिए ज़िंदगी को जीने के लिए, भाई पैसा ज़रूरी है। तो भाई मैं अपने होटेलियर भाई लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप मालदीव आ रहे हैं तो भाई पूरी प्रिपरेशन के साथ आएँ, अपना सामान जो भी एक महीने का कोटा लेके आएँ, कपड़े। और यहाँ के मौसम के बारे में बताना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ का जो मौसम है ठंड तो भाई साहब होती नहीं है। अभी जो नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है हमारे जो देश में है, मतलब इंडिया में, तो अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और यहाँ का मौसम के बारे में बताऊँ तो आपको काफ़ी गर्मी है भाई। अभी देखो मैं टी शर्ट में उतरा हुआ हूँ और फिर भी काफ़ी गर्मी फील हो रही है। मतलब बारह मास यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है, गर्म एकदम, ठंड के तो सवाल ही नहीं। इधर ये मत सोचना कि यहाँ ठंड पड़ेगी और जैकेट वैकेट भर लूँ, ये गलती बिल्कुल ही मत करना। मेरे भाई ने गलती करके पछता रहा है, सारे गर्म कपड़े लेके आया और यार भाई यहाँ के पछता रहे भाई, सारे बैग में वही पड़े हैं, टी शर्ट में भाई एक ही टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं एक महीने से। तो फिर भाई आप अगर आओगे तो अपने साथ जो है गर्म कपड़े बिल्कुल ही मत लेके आना, एक टी शर्ट जितने हो सके टी शर्ट भर के लेके आओ, और आप लोअर वगैरह लेके आओ, पैंट लेके आओ दबा के, क्योंकि एक महीना है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी खर्चे पानी के लिए, बाद में आपको सैलरी वगैरह मिल जाएगी तो सब कुछ सही रहेगा। तो यारो मेरे अमित भाई कुछ कहना चाहता है, क्या कहोगे भाई? कहेंगे ये इतना खूबसूरत सिटी है इसमें घूमने के लिए आओ, कभी जॉब करने के लिए मत आओ। ये बात तो यही है, सही है। जॉब करने के लिए क्यों नहीं आओ भाई? जॉब करने के लिए इसलिए मत आओ, क्योंकि आओ तो रिजॉर्ट में आओ, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट में काफी कम सैलरी है। और रिजॉर्ट में आओगे तुम्हें अकोमोडेशन ए टू जेड सब कुछ फैसिलिटी बहुत बढ़िया मिलेगी। भाई रिजॉर्ट में आने के लिए यार एक्सपीरियंस भी तगड़ा होना चाहिए, 5 स्टार का एक्सपीरियंस मांगते हो लोग। वही तो बोल रहा हूँ, आओ तो रिजॉर्ट में आओ, रेस्टोरेंट में मत आओ। और यहाँ देखो प्लेस, ट्रैवलिंग प्लेस कितना ब्यूटीफुल है, कई इंजॉय करोगे अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के साथ आना। बात तो सही है भैया, हम तो सिंगल लौंडे हैं, अपने को क्या है, सिंगल लौंडे हम तो भाई दोनों घूमते रहते हैं साथ में, आराम से इंजॉय करते हैं, काम करते हैं इधर होटल पे, मतलब रेस्टोरेंट में। तो अमित भाई का कहना भी सही है वैसे, कि आओ तो रिजॉर्ट में आओ, रिजॉर्ट में आओ इसलिए कह रहा है कि भाई वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा होती है, एकदम आपको लग्जरी सा फील होगा और खाना पीना भी एकदम टॉप क्लास ही रहेगा, 5 स्टार वाली फीलिंग आएगी आपको, क्योंकि रिजॉर्ट में काफ़ी ज़्यादा सर्विस चार्ज मिलता है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। और रेस्टोरेंट में भी सही है, लेकिन रेस्टोरेंट में तभी आओ आप अच्छे से कंसल्ट करके, जो वहाँ के MD है उनसे आप अच्छे से बात कर लो कि क्या क्या आप और आप क्या क्या जो है कि सैलरी का क्या है, सब कुछ बातें पहले ही करके आना। ये नहीं कि आपका ऑफर लेटर आ गया और आप सीधे ही वहाँ से फ्लाइट पकड़ के आ गए, ये गलती मत करना, अच्छे से एक बार ऑनर से कंसल्ट कर लेना हर चीज़ का, टाइमिंग का, ड्यूटी टाइमिंग का, सैलरी का और वीकली ऑफ का, ये सारी चीज़ें जो है कि पहले ही आपको कंसल्ट करनी पड़ेगी। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, आओ जगह मस्त है काम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, काम के साथ इंजॉय भी होता रहेगा और काम भी होता रहेगा। क्यों अमित भाई? यस ब्रो, जो ड्रिंक करता है भाई यहाँ ड्रिंक नहीं मिलती और भाई हाँ, जो मेरे बेवड़े दोस्त लोग हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अल्कोहल बिल्कुल बैन है और दारू नहीं मिलता है। गाड़ी के लिए एयरपोर्ट में मिलेगा, वहीं पीने का वाटर मिलेगा आपको सीधा एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी दूर है, सामने दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ से 10 रुपये का टिकट है बस से जाओ तो, और वहीं मिलती है आपको, पासपोर्ट दिखाना है और वहीं आपको दारू मिलेगी भाई, इधर नहीं मिलेगी। और लोकल एरिया में जो है कि अल्कोहल बिल्कुल बैन है। तो यही कहना चाहूँगा भाई कि जो भाई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते वो लोग ना आए, बेवड़े लोग जो भी हैं जो भी क्वार्टर चाहिए रहता है, और बाकी सब कुछ सही है, बढ़िया है, एकदम मस्त जगह है, समंदर देखो एकदम नीला नीला सा पानी, आओगे तो मतलब दिल मतलब खुश हो जाता है, सारी थकान मिट जाती है काम करने के बाद ना, यहाँ पे शाम को आओ सुबह आओ घूमो एंजॉय करो, काफ़ी मज़ा आ जाता है घूमने में सच में। अमित भाई अपने जो कि दोस्तों को क्या कहना चाहोगे, उत्तराखंड के जो तुम्हारे साथ के दोस्त हैं? भाई उत्तराखंड के जो मेरे दोस्त हैं, आओ आओ एंजॉय करो सब, आओ यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना, खूब एंजॉय, हर महीने महंगे यहाँ गर्मी होती है और एंजॉय करोगे तुम, स्विमिंग पूल में नहाओगे, नहाने वाली सारी जगह फ्री स्विमिंग पूल, बस गर्मी के कपड़े लेके आना, ठंडी के मल लेके आना भाई साहब, सब लोग यही कहना चाहता हूँ मैं। और यहाँ के जो मालदीव में जो और प्रोडक्ट के आइटम है बहुत हाई रेट के साथ बहुत महंगा है, इसलिए जो भी लाना है तुम इंडिया से खरीद के लेके आओ, यहाँ एंजॉय करो। जो यहाँ का 1 रुपए है और इंडिया का 4 से 5 के बीच में, मतलब 4-5 होते रहता है,
और ये है सीन शॉट भाई लोग। तो जो भी आओगे तो आराम से पैसे वैसे थोड़े लेके आना कैश में, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कैश में मनी एक्सचेंज करना पड़ सकता है। कुल मिला के ये बात है। तो भाई कुल मिला के टूरिस्ट प्लेस है और घूमने के लिए काफ़ी बढ़िया है। अब आओ घूमो यहाँ पे, एंजॉय करो, काम करो साथ में। अमित भाई तो काफ़ी खुश है, बोल रहा है कि भाई अब आना तो सीधा मालदीव में आने, अगली बार रिजॉर्ट में जाना है, ट्रैवलिंग करने घूमने। यस एग्जैक्टली। तो मेरा अमित भाई काफ़ी खुश है, देखो अमित भाई काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई लोग समझ रहे होंगे आप लोग अमित भाई कितना खुश है। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और इस तरह की मतलब मालदीव से रिलेटिव वीडियो आपको मैं देता ही रहूँगा। जो भी मेरे भाई आने वाले हैं अभी, जो भी आने के लिए सोच रहे हैं, और उन लोगों के लिए मैं काफ़ी मतलब उनसे उनके लिए जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकता हूँ और अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करता रहूँगा। अब यार बात ये कि खाली मालदीव में तो रहना है नहीं हम लोगों ने, हमको यहाँ से आगे भी बढ़ना है। ये तो एक मतलब सहारा है, मतलब एक क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप। हाँ फर्स्ट स्टेप है, इससे सोच रहे कि हम लोग अलग कंट्री में यहाँ से धीरे धीरे एक्सप्लोर करते रहेंगे धीरे धीरे। और ये जो हमारी पहली कंट्री है जहाँ हम आए इंडिया से बाहर, क्यों अमित भाई? उत्तराखंड के निवासी हैं भाई, दोनों ही पहाड़ी बंदे हैं, उत्तराखंडी भाई दोनों पहाड़ी बंदे हैं। और सोच रहे हैं कि यहाँ से एक साल का यहाँ पे एक साल का एग्रीमेंट हुआ है हमारा, एक साल के बाद यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। उसके लिए सोचते हैं कोई दूसरी कंट्री जैसे यूरोप कंट्री, या फिर देखते हैं अगर किस्मत में होगा तो भगवान की दुआ रहेगी तो बिल्कुल जाएंगे। और मेरे सारे होटेलियर भाई जो भी मालदीव आना चाहते हैं, आओ आराम से यार, टेंशन नहीं है, आओ अपना काम करो, पैसे कमाओ, इन्जॉय करो। ओके भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।